हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज रिले एंड व्हाई इट्स नेसेसरी के बारे में, है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी रिले को अगर हम किसी सर्किट में अगर कोई रिले लगा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हमारी जो रिले है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में। इसके कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं मैंने, जैसे कि सिलेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी, सेंसिटिविटी, स्पीड एंड इकोनॉमी। ये छः की छः कंडीशन हर रिले में होनी चाहिए, है ना। ये छः की छः जो कंडीशंस हैं ये सभी रिले में अप्लाई होती हैं। तो चलिए इन सब के बारे में नंबर वाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए सिलेक्टिविटी। अब सिलेक्टिविटी के अंदर क्या है कि जब हम कोई भी रिले अगर हम अपने सर्किट में यूज करते हैं तो इस रिले के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये फॉल्टी सर्किट को डिडक्ट करे, है ना। ये फॉल्टी सर्किट को जल्द से जल्द डिडक्ट करे और उसको सप्लाई से अलग कर दे, ताकि हमारा जो हेल्थी क्या कहते हैं सर्किट है उस पर कोई डिफेक्ट ना पड़े, है ना। कोई इफेक्ट ना पड़े जो हमारा अनहेल्थी सर्किट है उसका। तो उसके लिए ये रिले जो है ये हमारे जो अनहेल्थी सर्किट है उसको जल्दी से जल्दी डिडक्ट करके उसको सप्लाई से अलग करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये मतलब दोषी भाग को जो हमारा अनहेल्थी सर्किट है उसको डिडक्ट करने की यानी कि सेलेक्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस रिले के अंदर। उसके बाद बात करते हैं रिलायबिलिटी की। अब देखिए रिलायबिलिटी की मतलब क्या है कि ये काफ़ी विश्वसनीय होनी चाहिए, है ना। विश्वसनीय होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि हम किसी 7 एम्पियर के रिले को, मान लीजिए ये 7 एम्पियर का रिले है, ठीक है। मान लीजिए कि 7 एम्पियर का रिले है, हम इसको 7 एम्पियर के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये बता रही है कि ये रिले 7 एम्पियर पे काम करेगा और इसका जो ओवर मतलब कि जब हमारा ओवर करंट या फिर ओवर शॉर्ट सर्किट के केस में मान लीजिए ये 20 एम्पियर पे हमारे जो सर्किट को अलग कर देगा, ठीक है। मतलब अनहेल्थी केस में अगर 20 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो होगा, इस रिले में से मैक्सिमम करंट, तो ये हमारे सर्किट को सप्लाई से अलग कर देगा। तो ये जो रिले है वो जो जो कंपनी ने यहाँ पे लिखे हुए हैं इस रिले की स्पेसिफिकेशन, ये उसी के अंडर में काम करने वाला होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कंपनी ने रेटिंग लिखी हुई है इसकी कि ये 7 एम्पियर का रिले है और अगर हम इसको चेक कर रहे हैं या फिर हम इसको अपने सर्किट में लगा रहे हैं तो हमको पता लग रहा है कि ये रिले भाई 7 एम्पियर का नहीं है, तो रिले तो 10 एम्पियर का है ना। ये एम्पियर तो 10 एम्पियर पे काम कर रहा है। तो अगर आप या फिर 20 एम्पियर पे अगर इसकी ब्रेकडाउन अगर 20 एम्पियर पे होने वाला है तो ये 30 एम्पियर पे भी क्या कहते हैं सर्किट को अलग नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिले जो है जो रेटिंग का रिले है ये उसी रेटिंग पे काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिंप्लिसिटी की। अब देखिए सिंप्लिसिटी में क्या है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी इजी होना चाहिए। इसकी कंस्ट्रक्शन आसान होना चाहिए, लेकिन इसका जो वर्किंग है ये मतलब कि काफ़ी बहुत तेज़ होना चाहिए। मतलब वर्किंग बढ़िया होना चाहिए इसका और कंस्ट्रक्शन इजी होना चाहिए, है ना। मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए ज़्यादा, जैसे कि अगर हम इसको अगर किसी सर्किट में यूज भी कर रहे हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब बात करते हैं सेंसिबिलिटी के बारे में। सेंसिबिलिटी का मतलब है संवेदनशील। ये काफ़ी संवेदनशील होने चाहिए,
है। उसके बाद बात करते हैं स्पीड के बारे में। अब देखिए क्या है कि जब हमारा सर्किट अनहेल्थी केस में होता है, या जब हमारा कोई मोटर है या फिर हमारा कोई अदर सर्किट है, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें से काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब करंट उसमें फ्लो होता है, तो वो करंट रिले में से होते हुए ही फ्लो होता है। तो उस केस में जो रिले की जो ब्रेकिंग स्पीड है, यानी कि वो जो हमारे सर्किट को अनहेल्थी सर्किट को सप्लाई से जो अलग करेगा, उसकी स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर रिले ने डिटेक्ट किया कि हमारा कोई सर्किट अनहेल्थी है, तो उसी केस में तुरंत रिले हमारे अनहेल्थी सर्किट को सप्लाई से अलग कर दे, है ना। तो इसकी स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी के अंदर में आता है कि ये काफ़ी सस्ते होने चाहिए, है ना, मतलब कॉस्ट इनकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इनका वर्किंग जो है वो आसान होना चाहिए, और ये काफ़ी मतलब कि इनका प्रभावशाली होना चाहिए, है ना, काफ़ी मतलब इनका जो वर्किंग है वो अच्छा होना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं जो हम किसी भी रिले को अपने सर्किट में यूज़ करने से पहले इन इन बातों का ध्यान में रखते हैं कि किसी भी मतलब सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमारी जो मान लीजिए अगर मोटर की में लगा रहे हैं, या फिर किसी छोटे ट्रांसफार्मर में लगा रहे हैं, या फिर किसी अपने अदर सर्किट में लगा रहे हैं, तो हमें पहले देखनी होती है कि हमें कितना एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है ना। तो उसी हिसाब से हम रिले का सिलेक्शन करते हैं। तो फिर उसके बाद जो रिले के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो ये 6 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और ये हर रिले के अंदर होनी चाहिए और होती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। और आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस ऐप में हमने काफ़ी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, और आपको हमारी उस ऐप में सभी न्यू वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।